जहाँ आना था हमने फाइनली वहाँ आ गए हैं, और थोड़ा सा यहाँ ऊपर में बस थोड़ा रह गया, ये लास्ट ही था। और यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर बर्फ गिरी हुई है यहाँ पूरी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र भरतवाल और आप देख रहे हैं दिल से पहाड़ी। और आज ऊपर की साइड गिरी हुई है बर्फ़, और मैं थोड़ा जा रहा हूँ घर से थोड़ा ऊपर, तुंगनाथ का जो पर्वत दिखता है मेरे घर से उसको दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, वहाँ कितनी बर्फ़ गिरी हुई है। आसपास तो मैंने दिखा दिया ऊपर की साइड, ये तुंगनाथ का पर्वत यहाँ पर रह गया, लेकिन यहाँ पर धुंध लगी हुई है, इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। इंतज़ार कर रहा हूँ धुंध का साफ हो जाए। क्या ना चुना रही है? अच्छा, और ये गांव का प्राथमिक विद्यालय, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, कुछ इस तरह बनाई गई है स्कूल। ये देखो आगे से पूरे ग्रिल से बंद कर रखा। एक आना चढ़ लो गुण। अरे है बंसु, ये देख सकते आप, ये शर्मा रहा मेरे से, अभी स्कूल जा रहे। बंसु स्कूल जाना, स्कूल जाना, कल आम रहो तो। ये है मेरे गांव का व्यू, तो दोस्तों अभी मैं हूँ अपने गांव के ठीक ऊपर ही, नीचे मेरे गांव रह गया, और दो चार भाई लोग तैयार हुए हैं ऊपर जंगल जाने के लिए। वहाँ बर्फ गिरी है, अभी कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ आसपास बर्फ़ गिरी थी उस हिसाब से वहाँ भी गिरनी चाहिए थी। काना तलाव है वहाँ का नाम, वहाँ ले जा रहा हूँ आपको। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये खाली बना रखी है, हमारी भाषा में इसे खाली बोलते हैं। और ये इसलिए बनाया गया है कि क्योंकि जंगल का जो यहाँ से ये पूरा पानी बहेगा, या तो इस नहर के रास्ते वो सीधे गदरे में चले जाएगा, या तो जो पानी अगर ओवरफ्लो होगा तो इसमें जमा हो जाए वो, ताकि गांव तक आसानी से वो पानी ना पहुंचे। और गांव से 1 किलोमीटर हम ऊपर आए अभी जंगल में, और ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बर्फ़ गिरी हुई है। पिछली बार तो बर्फ़ गिरी नहीं थी, इस बार गिरी है, थोड़ा मिली मुझे यहाँ पर, और खा लेता हूँ इसको पहले पहली बर्फ। हाँ, तो ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी हुई यहाँ भी। कांड तलाव जिसकी बात मैं कर रहा था, यह है कांड तलाव सेना, और यहाँ उस हिसाब की बर्फ़ गिरी नहीं है, यहाँ खाली बर्फ़ गिरी है शायद, और ज़मीन ही कल। तो अभी जाएंगे हम ऊपर घोड़ांगा, वहाँ देखते हैं। बर्फ़ के गोले बना रहे हैं और एक दूसरे पे मार रहे हैं। दोस्तों के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बर्फ़ में। अब एक पड़ाव जा रहे हैं ऊपर घोड़ांगा, तो वहाँ भूतनाथ जी का मंदिर भी है हमारे, तो वहाँ तक जा रहे हैं। अगर वहाँ बर्फ़ मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर घर को वापस लौट जाएंगे। पर ये है मेरे गांव का जंगल, बहुत घना जंगल, ऊपर आपको सीधे जंगल ही मिलेगा अगर लास्ट जाओगे आप, तो वहाँ से तुंगनाथ के लिए रास्ता जाता है, और वहाँ सड़क भी है, पुरानी सड़क, वो जंगलात ने बंद कर दी थी इसलिए कि पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, और यहाँ दिखने वाला भी कोई नहीं था, तो इसलिए वो वाली सड़क शायद बंद कराई गई उस टाइम पे। तो यहाँ है थोड़ा बहुत बर्फ, अब ऊपर जाके देखते हैं थोड़ा। तो फाइनली पहुंच गया हूँ मैं घोड़ांगा। घोड़ांगा ये पीछे देख सकते हैं आप मेरे, उधर लास्ट में दिख रहा है मंदिर, तो वहाँ पे जा रहा हूँ अभी। तो पहुँच गया हूँ घोड़ांगा, यहाँ थोड़ा बहुत बर्फ़ है, उस हिसाब की थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब उतनी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है, इंजॉय करने लायक है थोड़ा बहुत। सर नमस्कार, आप देख रहे इस समय घोड़ांगा सेना। हाँ, और आप देख सकते हैं किस प्रकार 10 फीट बर्फ
हमें मिलनी थी लेकिन सिर्फ इतनी ही मिल पाई है। हालांकि अभी हमारा जो सफर है वो शुरू हुआ है। भाई धर्मेंद्र भाई, प्रवीण बटवार और विजेंद्र भाई यहाँ पर हैं। हाँ, एक ही हैं, एक ही हैं, और एक ही हैं पीछे विजेंद्र भाई हमारे। ये गरम हो गया उन्हें। तो दोस्तों मैं हूँ अभी घुड़ंगा, जहाँ मैंने बोला था यहाँ भूतनाथ जी का मंदिर पीछे रह गया। हम थोड़ा ऊपर और जा रहे हैं, भाई लोग तैयार हो गए हैं ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर जा रहे हैं अभी। और यहाँ भी बर्फ ठीक ठाक ही गिरी हुई है, वैसे पेड़ों में दिख रही है पीछे, आप ये देख सकते हैं। और इसी के बीच एक वीडियो तैयार किया मैंने आप लोगों के लिए अभी, जो बर्फ़ के शॉट हैं उसमें, तो उसका मज़ा लीजिए। तब तक थोड़ा ऊपर चलते हैं। सड़क में तक हम जाना चाह रहे हैं, और अभी इस झाड़ी देखो कितनी मुश्किल हो रही है हमें जाने में। फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ हमारे जंगल से क्या क्या व्यू दिखता है उधर का। आगे धनी भाई लगे हुए हमारे, फिर विजेंद्र भाई और प्रवीण काका, और इन झाड़ियों में जा रहा हूँ। मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। मेरे पूरे कपड़े पूरे गीले हो गए, ये देख सकते हैं आप। और ऐसी ये झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों के बीच से घुसना पड़ रहा हमें, ये देख सकते हैं आप। और ये रिंगाल, ये एक्चुअली ना झाड़ू के काम भी आते हैं, हमारे घरों में झाड़ू बनाए जाते हैं इसके। तो यहाँ देवदार के वृक्ष देखने को मिल जाते हैं हमें अब। ये बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े वृक्ष हैं यहाँ पर, ये देवदार के। और यहाँ ये बर्फ़ गिरी हुई है, इसमें लगातार हम चल रहे हैं, बहुत ऊपर आ चुके हैं, करीबन 5-6 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं हम अपने गाँव से। और ये जंगल हमारे गाँव के ऊपर, और यहाँ देख सकते हैं आप भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, क्योंकि हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, बहुत ऊपर आ चुके हैं अपने जंगलों में, और बहुत ऊपर जा रहे हैं अभी, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे अब। यहाँ से ज़्यादा यहाँ स्नोफॉल ज़्यादा हुई है, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है। और ये पीछे देख सकते हैं आप, पेड़ अभी पूरे वाइट वाइट लग रहे हैं, जबकि ये देखो इस साइड भी पूरा वाइट वाइट लग रहा है। और यहाँ अब और ज़्यादा ठंड होने लग गई है, पहले तो जोश था कि बर्फ़ देखनी है, अब देख ली तो अब ठंड लगने लग गई है। ये देखो इन पेड़ों पे देवदार के कितने बड़े बड़े पेड़, और ये बर्फ गिरी हुई है, ये देख सकते हैं सामने। जहाँ आना था हमने फाइनली वहाँ आ गए हैं, और थोड़ा सा यहाँ ऊपर में बस थोड़ा रह गया, ये लास्ट इधर रह गई, उसके बाद लगभग पहुँच ही जाएंगे हम अपने डेस्टिनेशन पे। और ये यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह देख सकते हैं आप, और ये पेड़ पूरे भरे हुए हैं बर्फ़ से। फाइनली उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां का बहुत टाइम से इंतज़ार था मुझे, बहुत पहले आए थे एक बार गायों के साथ यहां, और आज यहां आकर बहुत खुशी मिल रही है। और ये देख सकते हैं आप पीछे भी मेरे, पूरा कितना अच्छा व्यू यहां नज़र आ रहा। और हैं वही कैच भाई, यहां पर देख सकते हैं ये लकड़ी का कुछ बना रखा उन्होंने अपने लिए, छप्पर बना रखा। एक्चुअली जो बकरी वाले आते हैं जंगलों में, तो उनका ही 6 महीने बकरियाँ जंगलों में रहती हैं, तो प्यार बोलते हैं उसको। और यहाँ पर भी वो बकरियाँ रहती हैं, यहाँ देख सकते हैं बकरी का बहुत ज़्यादा गोबर है, ये नीचे पूरा ही गोबर है बकरी का। यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ खतरनाक दिख रहा है, डर भी लग रही है दिखाने के लिए, लेकिन दिखा देता हूँ फिर भी आप लोगों को। और ये डर लगती है मुझे, पर ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, ये देख सकते हैं आप नीचे। ये पाइपलाइन जा रही है रुद्रप्रयाग क्षेत्र में, ये ऊपर तुंगनाथ से आती है, वहाँ से आता है ये पानी, और ये सीधे रुद्रप्रयाग तक जाता है। और यार इतनी ठंड है यहाँ पर, और ये पानी जमता नहीं होगा पाइप के अंदर भी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी गिरती है और ठंड भी रहता, बहुत हाइट पे है। और यहाँ पहुँच चुके हम, यहाँ से अब
रोड में पहुंच ही चुके हैं लगभग। ये ओहो, ये है रोड, ये देख सकते आप ढांचा है सड़क का। एक्चुअली ये कच्ची थी उस टाइम पे, उसी टाइम पे बंद हो गई थी और बंद हो गया था इसका निर्माण कार्य उस टाइम पे तो। हाँ, और यहाँ पर ये पानी देख सकते हैं, यहाँ पे पाइप टूटा हुआ है, थोड़ा सा लीकेज कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से ये दिख रहा है भड़ज, ये देख सकते हैं आप। और अभी वहाँ पे थोड़ा साफ हो गया मौसम, तो थोड़ा क्लियर दिख रहा, अभी तक बादल लगे हुए थे। वही देख सकते प्यारा सा नज़ारा भड़ज का। और हमारे कुछ साथी ये ऊपर फोटो शूट कर रहे हैं अपना उस पहाड़ी में बैठ कर। देखो कितनी बड़ी पहाड़ी है, गिर जाएंगे तो। और ये देखो लगभग हम आसमान की ऊंचाई में आ चुके हैं, ये बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ नीचे पूरी पूरी खाई है और इस साइड भी ये पूरी खाई है। भाई साहब मेरे होश गुम, और आप बोलोगे क्यों, ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये पेड़ है भाई साहब, ये अभी खत्म नहीं हो रहा है, ये पेड़ है यार।